हाँ तो बच्चों, इस लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इनसाइड ए इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड। सोलेनोइड हम किसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ऐसे एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर हम वायर्स को वाउंड कर देते हैं। ठीक है, वायर्स को वाउंड कर देते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सोलेनोइड। अब देखिए, जब इन वायर्स में से करंट फ्लो होगा, देखिए अगर करंट इधर से जा रहा है तो पीछे की तरफ से इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। ऐसे ऐसे करंट जा रहा है इसमें, यहाँ नीचे की तरफ करंट आ रहा है तो पीछे ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो और अगर इन वायर्स में करंट जा रहा है, ठीक है, अगर हम इसमें एन टर्न्स माने और अगर इनमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इनमें होने वाले फ्लो होने वाले करंट की वजह से क्या होगा, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैंने ये वाला रूल लगाया इधर सेकंड वाले के लिए भी, इधर थर्ड वाले के लिए भी, इधर, तो सब में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर इसके एक्सिस पे। ठीक है ना, इसके एक्सिस पे होगी और जितने भी मैग्नेटिक फील्ड हैं सारे एक ही डायरेक्शन में हैं, तो सारे जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो सेंटर में सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यूनिफॉर्म मिलेगी और काफ़ी अच्छे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं, जो कि हमें मिलेगा इसके एक्सिस पे। ठीक है, अब इस सोलेनोइड में देखिए, ये तो इसका जो डायग्राम था, और अभी इसके डायग्राम को हमने दूसरे तरीके से बना रखा है। देखिए, इसमें ये जो क्रॉस और डॉट है, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं बनाया है, ये मैंने करंट की डायरेक्शन के लिए बनाया है। क्रॉस का मतलब यहाँ से करंट अंदर जा रहा है, और डॉट का मतलब यहाँ से बाहर निकल रहा है, करंट यहाँ से अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्रॉस और डॉट मैंने करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए किया है, अंदर जाता हुआ करंट, बाहर जाता हुआ करंट। ठीक है, इस तरीके से। और सेंटर में तो मैंने आपको बताया था कि सबका मैग्नेटिक फील्ड, सबका अगर मैं इस तरीके से हाथ को करूंगा तो सबका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में ही आएगा। ठीक है, तो इसके एक्सिस पे हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड, तो डायग्राम हम समझ गए। अब हमने एक एम्पीरियल लूप कंसिडर किया, पी क्यू आर एस। देखो, हमको एक सिमेट्रिकल लूप चाहिए होता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के लिए, सोलेनोइड वाले स्ट्रक्चर के लिए हमने सिमेट्रिकल लूप लिया है, एक रेक्टेंगुलर या एक स्क्वायर लूप, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो इस पी क्यू आर एस के अलोंग जो है, ये हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने की, बी को निकालने की हम कोशिश करेंगे। तो देखो, नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, यहाँ पे एम्पियर्स लो हम लगाते हैं। देखो, एम्पियर्स लो बच्चों हमने लगाया यहाँ पे, एम्पियर्स लॉ लगाया, तो एम्पियर्स लॉ हमारा कितना है, क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट सिग्मा आई। सिग्मा आई जहाँ करंट्स का सम है। ठीक है, और पी क्यू आर एस क्या है, जो हमने एरिया लिया था। देखिए, हमने डायग्राम में एक एरिया लिया था, डायग्राम में हमने पी क्यू आर एस, ठीक है, एक एम्पीरियल लूप कंसिडर किया था, तो हमने उस लूप का। अब देखिए, इस लूप में अलग अलग डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये पी क्यू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ही है, क्यू आर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, आर एस, ठीक है, ये एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। पर हम क्या देख रहे हैं कि ये तो सोलेनोइड के ही बाहर है। ठीक है, तो इसका भी हम देखेंगे क्या करेंगे, और ये जो एस पी है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके अलग अलग पार्ट्स की वजह से, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने निकाला बी डॉट, और देखिए डॉट को सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, तो हमने लिख लिया बी डी एल कॉस थीटा। अब देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो पी क्यू है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, तो 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे कॉस 0। फिर सेकेंड वाला जो था वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा था क्यू आर, तो देखो ये जो क्यू आर है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने 90 डिग्री लिख दिया। फिर आर एस, आर एस को हम देखते हैं, ये 180 डिग्री, आर एस एंटी पैरेलल जा रहा है, पर ये तो बाहर ही है। ठीक है ना, हमारे सोलेनोइड के बाहर है, तो यहाँ पे तो हम क्या कर देंगे कि बी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जो हमारा एस पी है, ठीक है, एस पी हम देखते हैं इसके अंदर, तो देखो बच्चों, एस पी हमने देखा इसके अंदर, तो एस पी ये भी पैरेलल है मैग्नेटिक, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो हमने देखा एस पी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ठीक, सबको सॉल्व करते, देखो कोस 90 0, कोस 90 0, यहाँ ये तो लूप सोलेनोइड के बाहर था, तो बी 0 हो गया था, तो ये 0, ये 0, ये 0, हमारे पास सिर्फ बचा पी से लेके क्यू तक बी डी एल कोस 0 1 होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास इंटीग्रेशन बचा पी से क्यू बी डी एल, बाकी तीनों 0 के, म्यू नोट सिग्मा आई। ठीक है, अब जो इसमें जो लेंथ है डी एल, ठीक है ना, स्क्वायर की हर एक आर्म की लेंथ हम एक्स मान लेते हैं, तो डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर इसमें
टोटल एन टर्न्स है सोलेनोइड में, टोटल एन टर्न्स हैं और टोटल लेंथ इसकी एल है, ठीक है। तो पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न होंगे, एन अपॉन एल, जिसको हम स्मॉल एन से इसमें डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। सबकी लंबाई एक्स है और सब में आई करंट फ्लो रहा है, तो टोटल करंट हो गया एन एक्स इंटू आई, ठीक है। हमने ये पुट कर दिया बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नोट एन एक्स आई, या फिर ये भी हम लिख सकते हैं बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नोट, ठीक है ना, एन अपॉन एल, पर यूनिट टर्न्स में कितना करंट फ्लो हो रहा है, एक्स जो उस एक आर्म की हमने लेंथ मानी इंटू आई, एक्स से एक्स कट जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। तो यही हमारे सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके एक्सिस पे जो होता है। तो इसको फॉर्मूला को म्यू नोट एन आई या म्यू नोट कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सोलेनोइड। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो बच्चों, हम देखते हैं इसमें टोरॉइड, ठीक है। हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आता है टोरॉइड। तो टोरॉइड क्या स्ट्रक्चर है, अगर एक कॉपर वायर है जिसके हम मान ले कि वो कॉपर वायर है, इज देखो लिखा हुआ है इफ कॉपर वायर इज बाउंडेड ओवर ए सर्कुलर रिंग देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड टोरॉइड, या सिंपली जो मैं अपने शब्दों में तुम्हें कहूँ तो सोलेनोइड के दोनों एंड्स को पकड़ के हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, टोरॉइड टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। देखो यहाँ से करंट अंदर जा रहा है क्रॉस, और डॉट मतलब बाहर, इस तरीके से हमने इस तरीके से वाउंड कर रखा है, ठीक है, चारों तरफ इस तरीके से वाउंड कर रखा है। तो इसका मतलब जो क्रॉस है करंट अंदर जाता हुआ बाहर आता हुआ, और ये जो डैश 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 अपन को दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उसी डायरेक्शन में हमने सर्कुलर ही क्या कंसिडर किया है, सर्कुलर डायरेक्शन में ही हमने क्या कंसिडर किया है, एम्पीरियल लूप, ठीक है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे इसकी वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो हमने एम्पियर्स लॉ लगाया, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट सिग्मा आई, ठीक है। तो अब देखो बी और डी एल तो सेम ही डायरेक्शन में है यहाँ भी, तो देखो एम्पीरियल लूप हमने उसी डायरेक्शन में माना है, मैंने आपको बताया था जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एम्पियर्स लॉ के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि बी डी एल अगर एक ही डायरेक्शन में, तो बी डी एल कोस जीरो, कोस जीरो वन ही होता है, वन को मल्टीप्लाई करो तो बी डी एल ही आ जाएगा वापस, और यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू नोट सिग्मा आई, बी ये तो कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, डी एल इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे म्यू नोट सिग्मा आई। अच्छा ये हमने देखा था कि सर्कुलर है, ठीक है ना, जो हमारा एम्पीरियल लूप था वो कैसा था, सर्कुलर सर्कुलर था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, डी एल को कंसिडर किया 2 पाई आर म्यू नोट सिग्मा आई एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है, बी इंटू टू पाई आर और म्यू नोट एन आई, ठीक है। एन देखो हम जहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो 2 पाई आर को हम अपॉन में भेज सकते हैं, तो म्यू नोट एन आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पे जो सिग्मा आई था हमारा करंट था, तो हमने माने थे एन टर्न्स हैं और सब में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो टोटल करंट कितना हो गया, एन इंटू आई हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। और अपन ने देखा भी था इसको, स्मॉल एन अगर मैं लिखूँ तो मैं स्मॉल एन की जगह क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एल, टोटल लेंथ कितनी निकली, सर्कुलर लूप था तो 2 पाई आर, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया किसका, टोरॉइड पे, ठीक है, टोरॉइड की वजह से। देखो ये आगे लिखा हुआ भी, अगर टोटल एन लेंथ मानी तो हमने म्यू नोट एन अपॉन एल इंटू आई भी लिख सकते हैं, या इसको म्यू नोट एन आई भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो लगभग सोलेनोइड जैसा ही फॉर्मूला है, ठीक है।